बिहार में लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, उम्मीदवार मैदान में हैं और जिन चरणों में अब तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई है वहां पर भी तैयारी हो रही है हर राजनीतिक दल की तरफ से कि मैदान में कौन कौन से सुरमा होंगे। ज्यादातर पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन आज बिहार की सियासत में चुनाव से जो जुड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, दरअसल वो बोरो प्लेयर्स की कहानी है। अक्सर हमने देखा है चुनाव में, लगभग हर चुनाव में ऐसा होता है कि चुनाव के ठीक पहले कई दूसरे दलों से नेता किसी दल में चले आते हैं और उनको उम्मीदवार बनाया जाता है। लगातार जब 5 साल चुनाव नहीं रहते हैं तो पार्टियां संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत करती हैं, दावे करती हैं बड़े बड़े, लेकिन जब चुनाव का बिगुल बजता है या चुनाव जब सामने आता है तो अपने चेहरों से ज़्यादा उन्हें दूसरों चेहरों के ऊपर भरोसा दिखता है। बिहार में भी एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है। आज आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं सियासत की, उसमें सबसे दिलचस्प किस्सा जो है वो पूर्णिया सीट पे है, जहां पप्पू यादव उन्होंने अपना सब कुछ, मतलब सब कुछ का मतलब कि अपनी पार्टी का विलय कर दिया कांग्रेस में, इस उम्मीद में, इस आस में कि उनको लोकसभा का टिकट मिल जाएगा पूर्णिया से। लेकिन पप्पू यादव को टिकट मिला नहीं अभी तक, क्योंकि कांग्रेस ने वो सीट आरजेडी से कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई, आरजेडी ने वो सीट छोड़ी नहीं और आरजेडी ने आउटसोर्स किया, मतलब बोरो प्लेयर के तौर पे जेडीयू की पूर्व विधायक बीमा भारती को आरजेडी लेकर के आई। रुपौली से बीमा भारती जेडीयू की विधायक थी, उन्होंने इस्तीफा दिया और अब आरजेडी ने उनको सिंबल भी दे दिया है जैसा सबको मालूम है, और रुपौली की विधायक अब पूर्णिया की सांसद बनने के लिए मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। केवल पप्पू यादव और बीमा भारती की ही कहानी नहीं है, जेडीयू के दूसरे एक पूर्व विधायक हैं अभय कुशवाहा। जब चुनाव की घोषणा हुई तो सबसे पहले अभय कुशवाहा ही जल्दबाजी में औरंगाबाद से उम्मीदवार बने आरजेडी के, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद वो औरंगाबाद से उम्मीदवार बन गए। इसी तरह कई दूसरे दलों के नेताओं के साथ भी ऐसी ही बात देखने को मिली है। आरजेडी के साथ साथ जेडीयू भी इस रेस में पीछे नहीं है। जेडीयू के पाले में देखिए जो लवली आनंद है वो शिवहर से उम्मीदवार बनाई गई हैं, और लवली आनंद कभी आरजेडी में हुआ करती थी, उनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक थे, लेकिन सरकार के शक्ति परीक्षण में जिस तरह चेतन आनंद ने पाला बदला उसके बाद ही यह चर्चा हो चली थी कि अब लवली आनंद भी पाला बदलने वाली है। लवली आनंद को जेडीयू ने शिवहर से मैदान में उतारा है जो आरजेडी से आई हैं, तो वो भी एक बोरो प्लेयर के तौर पे। इसी तरह दूसरे अगर नेताओं की बात करें तो सिवान से विजय लक्ष्मी को जेडीयू ने उम्मीदवार बनाया है। विजय लक्ष्मी रमेश कुशवाहा की पत्नी है, वो रमेश कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। कुशवाहा ने इस पर नाराजगी भी जताई थी कि सिवान से उनके पार्टी के नेता या उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, और इसको लेकर उन्होंने तंज भी कसा था। लेकिन जेडीयू भी इस रेस में पीछे नहीं है, बोरो प्लेयर्स के सहारे जेडीयू भी पॉलिटिक्स आगे बढ़ा रही है, चुनावी पॉलिटिक्स। दूसरे दलों की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी, वहां देखिए सांभवी चौधरी की चर्चा है जो मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, हालांकि वो किसी दूसरे दल में नहीं रही हैं, राजनीतिक उनकी लॉन्चिंग जो है वो हुई है चिराग पासवान की पार्टी के साथ, और लगातार ये आरोप भी लगे हैं चिराग पासवान पे कि वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को तरजीह देने की बजाय ऐसे चेहरों को मैदान में उतारा है उन्होंने जो उनके साथ जुड़े हुए नहीं थे। उसमें सांभवी चौधरी के नाम की चर्चा है, राजेश वर्मा के भी नाम की चर्चा है जो खगड़िया से उम्मीदवार बनाए गए हैं, क्योंकि राजेश वर्मा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विधानसभा का चुनाव तो लड़ा था चिराग पासवान की पार्टी से, लेकिन बाद में वो सक्रिय नहीं थे, लेकिन एकाएक उनको फिर से लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। बीजेपी और जो वाम दल हैं वो इस रेस में थोड़ा पीछे दिखते हैं बोरो प्लेयर्स के मामले में। अगर बात करें बीजेपी की तो वहाँ जो नए चेहरों को मौका मिला है उसमें राजभूषण चौधरी निषाद एक चेहरा है जो मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, अजय निषाद की जगह उनको टिकट दिया गया है, लेकिन वो पिछली दफे वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार थे उस सीट पे, हालांकि बाद में उन्होंने बीजेपी पहले ज्वाइन कर ली थी, वो बीजेपी के मौजूदा वक्त में संगठन में पदाधिकारी हैं, और यही वजह है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि जो बीजेपी है उसने बोरो प्लेयर्स के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी की है, वो ऐसी करती दिख रही है। राजभूषण चौधरी निषाद पहले से बीजेपी में रहे हैं, बाकी सभी दलों में कमोबेश यही कहानी दिखती है। वाम दलों ने अपने पूरे कैडर को
भरोसा दिया है, जहां भी उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, चाहे वो 5 लोकसभा सीटें हों या अज्ञाओं की सीट जहां विधानसभा उपचुनाव है और माले ने वहां कैंडिडेट एक बार फिर से दिया है, वो भी कोई और नहीं बल्कि पार्टी और संगठन मतलब उनके कैडर के बीच का है। तो बोरो प्लेयर्स की कहानी क्या वाकई एक बार फिर सूट करेगी बिहार में अलग अलग राजनीतिक दलों को? क्या उनको उन्होंने जो भरोसा जताया है अलग अलग चेहरों पर जो दूसरे दलों से लेकर के आए हैं, वो चेहरे कमाल करेंगे या फिर जो उनका ये कार्ड है वो फेल हो जाएगा, इसका फैसला जनता करेगी। चुनाव नतीजे आएंगे 4 जून को, तब तक इसी तरह की खबरें आपके लिए हम लेकर के आते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, चुनाव आज तक, पटना।